फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लैंप ड्रॉप के बारे में। क्या इसके यूज़ है, क्या डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं क्लैंप ड्रॉप के बारे में। क्लैंप इसका ब्रांड नेम है। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम और ब्रांड के बारे में बात करें कि जो क्लैंप के अंदर जो साल्ट पाया जा रहा है एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम, ये और ब्रांड्स आपको क्या क्या नाम से मिल सकती है, तो एक सेंसी क्लैंप ड्रॉप आती है जो कि हमारी मैकनोक्स कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके अंदर साल्ट क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसके अंदर एक तो एमोक्सिलिन पाया जाता है और पोटेशियम क्लैविनेट पाया जाता है। एमोक्सिलिन जो है इसके अंदर 80 मिलीग्राम में पाया जाता है। अगर हम बात करें पोटेशियम क्लैविनेट की तो इसके अंदर 11.4 मिलीग्राम में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी MRP के बारे में, यानी ये मार्केट में आपको कितने रुपये की मिल जाएगी। तो ये मार्केट में आपको 124 रुपये की किसी भी मेडिकल स्टोर पर 10 ml की छोटी सी बोतल मिल जाती है। और जो इसके अंदर आपको ये डिस्टिल्ड वाटर दिख रहा है, आपको इसके निशान तक मिलाना होता है। और आप जब भी बच्चे को दवाई दें एक बार अच्छे से शेक कर लें एंड उसके बाद ही बच्चे को दें। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर कंपोजिशन पाया जा रहा है एमोक्सिलिन, इसका क्या काम होता है। एमोक्सिलिन ये एक तरीके की पेंसिलिन एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक पेंसिलिन एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। और जो इसके अंदर पोटेशियम क्लैविनेट जो होता है, इसका काम क्या होता है, जो ये क्या करता है, जो इसके अंदर एमोक्सिलिन पाया जाता है तो ये उसको बूस्ट करने में हेल्प करती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है जिससे कि दवाई जल्दी असर करे। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज़ डॉक्टर किन किन परिस्थितियों में करता है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ हमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में हम इसका यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है या डोज जाननी है या कुछ भी दवाई के बारे में जानना है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वह आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसको हल कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ कब कब करता है डॉक्टर। तो एक तो इसका यूज़ जो है हम फ्रेश इंजरी क्या होती है, अगर कभी कभी जैसे कि एक क्लैंप ड्रॉप है तो इसको ज़्यादातर जो है हम न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ तक के या 8 महीने तक के बच्चों को ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेश इंजरी क्या होती है, अगर बच्चे को कहीं चोट लग गई है, खून निकल गया है या सूजन वगैरह आ गई है, उन सब समस्याओं में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। या इन्फेक्टेड वाउंड हो गया है। इन्फेक्शन वाउंड क्या होता है, जैसे कि अगर बच्चे के मुँह पर फुंसी फोड़े या बच्चे के किसी भी अंग से मवाद बह रही है तो उन सब समस्याओं में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। या लंग्स इन्फेक्शन है बच्चे को, यानी लंग इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि निमोनिया होता है या बार बार खांसी हो रही है बच्चे को या नज़ला है, इन सब समस्याओं में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या अगर ईयर इन्फेक्शन हो गया है, ईयर मतलब अगर कान के अंदर से मवाद बह रही है या किसी पर या बच्चे की कान के अंदर मवाद बह रही है तो हम इन सब समस्याओं में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन किन किन परिस्थितियों में इसका यूज़ हम कर सकते हैं, तो इसका यूज़ जो है आई इन्फेक्शन यानी बच्चे की आँख में बार बार खुजली हो रही है या बच्चा बार बार आँख को मल रहा है, तो उन सब समस्याओं में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या बोन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या दांत के अंदर किसी प्रकार का कीड़ा लग गया है या दांतों में थोड़ी झंझनाहट है, इन सब समस्याओं में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। वेट और स्ट्रेचिज में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बलगम वाली खांसी होती है उसके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करी है, अगर आपको किसी भी बारे में जानना है या डॉक्टर इसको अपने अनुसार भी दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के अंदर कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट केवल कुछ ही बच्चों में देखे गए हैं, मतलब 100 में से केवल 99 या 95% के आसपास बच्चों के अंदर ही कुछ, मतलब 95% तो ठीक है, मतलब 5% बच्चों के अंदर ही कुछ इन्फेक्शन देखे गए हैं साइड इफ़ेक्ट। जैसे कि क्या हो सकता है, नोज़े हो सकता है बच्चे को, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है,
या डायरिया हो सकता है बच्चे को, या स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में कि इसकी डोज हमें कितनी कितनी देनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये केवल न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ या 8 मंथ तक के बच्चों को ही हम देते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल इसके एक्यूरेट डोज जाननी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम उस पर भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको इसके यूज़, डोज एंड वर्क मैकेनिज्म, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताने की कोशिश की है। और भी अगर कुछ जानना है तो आप कॉन्टैक्ट या कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।